हेलो दोस्तों, मैं दिनेश पाटिल। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि LIC का जो IPO बहुत लोग वेट कर रहे थे, तो फाइनली LIC का IPO अनाउंस हो चुका है। ये सबसे बहुत गुड न्यूज है बहुत लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो उसका साइज क्या रहेगा? तो नियर अबाउट 21,000 करोड़ उसका एक IPO का साइज है। ये कैसे आता है, क्या आता है, मैं आपको बताता हूँ। और ये अगर 21,000 करोड़ का अगर हारा है, इसका मतलब क्या है कि पर शेयर्स का उसका प्राइस का बैंड कितना रहेगा? तो नियर अबाउट 940 एक शेयर्स का उसका भाव आने वाला है, ठीक है। और ये क्यों हुआ 21,000? पहले तो हम सोच रहे थे, सुन रहे थे कि 36,000 करोड़ बेचने वाली LIC, तो उसका क्या रीजन था कि एक्चुअली जो भी वैल्यूएशन है LIC का, उसका 5% स्टेक मिनिमम उसको IPO में लाना था। वो सेबी के रूल के अकॉर्डिंग वो वैल्यूएशन आ रहा था 36,000 करोड़, लेकिन वो वैल्यूएशन वो IPO का साइज बहुत बड़ा हो रहा था। तो इसके लिए ये स्पेशल केस में सेबी इसको अप्रूव करेगा, 3.5% स्टेक से बेचेगा और आपको 21,000 करोड़ का आपको IPO साइज रहेगा। ये कब होगा? तो अभी जो DRHP आज फाइल हुआ और उसको मंजूरी भी मिल गई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि ये 12 मई से पहले पहले IPO हिट हो जाने वाला है। तो मतलब उसके पहले पहले इसको अपना हम उनको ऑफर करना पड़ेगा, लॉन्च करना पड़ेगा। और ये टोटल वैल्यूएशन LIC का वैल्यूएशन अगर हम निकालेंगे, जो भी उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया उसमें, तो 6-6 लाख करोड़ आ रहा है। एम्बेडेड वैल्यू का 1.1 टाइम उसमें हमने काउंट किया हुआ है। ओके, तो नियर अबाउट ये साइज आएगा। उससे अच्छा 9 से 940 पर शेयर का इसका प्राइस आ चुका है। इश्यू डेट क्या है इसका? तो 4 मई को नियर अबाउट जो न्यूज पता चला उसके हिसाब से 4 मई उसका ओपनिंग डेट रहेगा और उसका क्लोजिंग डेट रहेगा 9 मई का। तो इस हिसाब से प्लानिंग करो। जिनका LIC का ऑलरेडी पॉलिसी होगा उनको क्या रूल है, किस हिसाब से करना है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको भेजूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। अभी ये न्यूज मेरे सामने आया तो ये आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, और डिटेलिंग कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो चीज भी मैं आपको एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए पहले अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।